लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, सबसे पहले उस पानी को रोका जाए नगर पालिका, दूसरा उस रोड का निर्माण कराया जाए, तीसरा ये वार्ड नंबर 5 जो है ये बहुत गरीब लोगों का क्षेत्र है, ये कोई सिविलाइंस या मॉडर्न क्षेत्र कॉलोनी नहीं है, जो यहाँ गरीब लोग नहीं हो या कच्चे मकान नहीं है। चेयरमैन साहिबा के जो पति हैं, जिनका नाम बहुत ही बड़े अल्फाजों में आता है, वरिष्ठ मोहन शाह खां को दावत देती हूँ मीडिया के माध्यम से, आए मेरे वार्ड में और जनता की समस्याओं को सुने मेरे वार्ड की और मेरे वार्ड का हालचाल देखें। ये मामला मेरे संज्ञान में है, मैं गई थी और मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, सबसे पहले उस पानी को रोका जाए नगर पालिका की ओर से, दूसरा उस रोड का निर्माण कराया जाए, तीसरा मैं चाहती हूँ कि इस रोड का निर्माण कराने के साथ साथ उन गरीब परिवार जो कारचोप कारीगर हैं, पतंग बनाने वाले हैं, मजदूर लोग हैं जिनके मकान गिरे हैं, मैं चाहती हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष या ममून शाह खां समाज सेवी या शहर विधायक आकाश सक्सेना जी कोई भी इनकी मदद करे, चाहे नगर पालिका फंड से इनकी मदद हो या ममून शाह खां समाज सेवी इनकी मदद करें या आकाश सक्सेना जी इनकी विधायक निधि से मदद करें, इनके घरों का निर्माण कराया जाए जिससे मेरे वार्ड के लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और मैं आपको बता दूं, ये वार्ड नंबर 5 जो है ये बहुत गरीब लोगों का क्षेत्र है, ये कोई सिविलाइंस या मॉडर्न क्षेत्र कॉलोनी नहीं है, जो यहाँ गरीब लोग नहीं हो या कच्चे मकान नहीं हो, ये तो गरीबों का वार्ड है और यहाँ ज़्यादातर गरीबी लोग निवास करते हैं, मेहनत मजदूर मेरे भाई बहन निवास करते हैं और इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। चेयरमैन साहिबा के जो पति हैं, जिनका नाम बहुत ही बड़े अल्फाजों में आता है, वरिष्ठ समाज सेवी, जिन्होंने जनता की हर समस्या को सुनने के लिए पहले पहुँच जाते थे, हमने 10-15 साल से लगातार उनको हर मीडिया के माध्यम से देखा है, चैनल से, आज जनता में हम चाहते हैं कि वही छवि बनी रहे और आज जो चेयरमैन साहिबा हैं उनके ममून शाह खां समाज सेवी के ही बतौर पर चेयरमैन साहिबा बनी हुई हैं, क्योंकि जनता जो है ममून शाह खां को प्यार करते थे, इसीलिए आज सना खान चेयरमैन बनी हुई हैं शहर की। ऐसे ही मेरे पति शमीम खां वार्ड के लिए काम करते थे जगह जगह मेरे अपने वार्ड में, आज मैं उन्हीं की बदौलत सभासद बनी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ हमारे वरिष्ठ समाज सेवी ममून शाह खां आएँ और मेरे वार्ड के लोगों का दिल टटोलें और उनकी समस्याओं को सुने, समस्याओं का समाधान कराएं, और यही हम लोगों का फ़र्ज बनता है चेयरमैन का और सभासद का कि जनता की समस्याओं का समाधान कराया जाए और समस्याओं को सुना जाए। और मैं यही चाहती हूँ, ममून शाह खां को दावत देती हूँ मीडिया के माध्यम से, आएँ मेरे वार्ड में और जनता की समस्याओं को सुने मेरे वार्ड की और मेरे वार्ड का हालचाल देखें कि कैसा हाल है। जब हम लोग जनसंपर्क बनाए रखेंगे जनता से, तभी हमें राजनीतिक तौर पर आगे सफलता मिलेगी और सभासद से भी लोग चाहते हैं कि उनकी उम्मीदें होती हैं कि हमारा नया सभासद वार्ड मेंबर चुना गया है, हम जाएंगे अपनी समस्या रखेंगे, जब हमारा डोरी बंद होगा, गेट बंद होगा, तो जनता कहाँ जाएगी। ऐसे ही जो नियम हमारे ऊपर लागू होता है कि हमें अपने वार्ड के लोगों की समस्या सुनना चाहिए, वही हमारे शहर के चेयरमैन साहिबा पर नियम लागू होता है कि अपनी कॉल के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से उनकी समस्याओं को सुने। और हम लोग राजनीतिक तौर पर लोगों की मदद करते हैं और राजनीति में हम लोग अपना छवि अगर अच्छी रखना चाहते हैं तो जनता से हमें जनसंपर्क में रहना ही होगा। अगर आने वाले 5 साल जो होते हैं, जनता ही हमें चुनती है और जनता ही हमें पलट देती है, और यही सभासदों के लिए नियम लागू होता है, यही चेयरमैन के लिए नियम लागू होता है। और मैं अपने वार्ड वालों, वार्ड के वासियों से कहना चाहती हूँ, मेरा गेट हर वक्त मेरे वार्ड वालों के लिए, वार्ड के लोगों के लिए खुला हुआ है, कोई भी समस्या जो मुझसे समाधान हो पाए, मैं अपने वार्ड वालों की हर समय समस्या का समाधान करने के लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ।